नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 ईस्वी में की गई। इसकी शुरुआत नोबेल फाउंडेशन ने की। इन्होंने स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार का एक स्वरूप दिया। यह पुरस्कार शांत साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। 1901 ईस्वी में यह पुरस्कार शांत साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान में ही दिया जाता था, किंतु 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाना शुरू हुआ। इसी समिति के द्वारा विजेताओं का चयन किया जाता है और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ही किया जाता है। रवींद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि की उपलब्धि पर इनको सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर वैंकट रमन 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में रमन के प्रभाव पर इनको सम्मानित किया गया था। इनको सीवी रमन के नाम से भी जाना जाता है। इनका शॉर्ट फॉर्म गोविंद खुराना 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन संश्लेषण की उपलब्धि पर इनको सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में समाज सेवा की उपलब्धि पर इनको पुरस्कृत किया गया था। अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उपलब्धि पर इनको सम्मानित किया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा पर इनको सम्मानित किया गया था। वी एस नागपाल 2001 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया था। वेंकट रामन रामकृष्ण 2009 ईस्वी में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी 2014 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया था। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।